सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। तो दोस्तों कैसे हो, आई होप सब बढ़िया होंगे। अरे भाई बढ़िया ही चाहिए। तो भाई आज का कुछ प्लान ऐसा है, मैं आया था मारुति सुजुकी शोरूम, पहुंच चुका हूं और भाई बैक में ये मारुति का शोरूम है। और आज आपको पता ही हम क्या करने के लिए आए होंगे। सभी को पता ही होगा लगभग कि न्यू ब्रेजा लॉन्च हुई है, लगभग 30 तारीख को होगी थी, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। तो भाई आज चलते हैं अंदर और आपको ब्रेजा का रिव्यू देते हैं। फाइनली गाइस अब शोरूम के अंदर तो आ ही चुके हैं और बैक में ब्रेजा खड़ी है। तो चलते हैं, भैया से मिलते हैं एक। और ये भैया यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हैं और ये भैया हमें ब्रेजा के बारे में बताएंगे। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम राजवीर सिंह है और मैं 8 साल से मारुति सुजुकी एरिना में रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। और आज मैं भैया को बताऊँगा ये हमारी विटारा ब्रेजा जो न्यू लॉन्च हुई है वो देखने के लिए आए थे। तो क्या क्या मेजर चेंजेस करे हैं मारुति सुजुकी ने और फर्स्ट टाइम मारुति सुजुकी जो फीचर्स लेकर आई है, आइए मैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ब्रेजा में नया है। ओके भैया। और ये भाई सामने कार खड़ी है, अब भैया बताएंगे। हेलो व्यूअर्स, आइए चलिए देखते हैं ब्रेजा में क्या क्या न्यू चेंजेस करे हैं और फर्स्ट डेमो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में सबसे पहले फ्रंट आता है, आइए मैं दिखाता हूँ कि फ्रंट में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हुड की बात करें तो हुड 38 mm हमने स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ करा, जिससे कि आप जब अंदर बैठ के ड्राइव करेंगे तो आपको एक रियल एसयूवी का लुक भी मिलेगा और एक फील भी आएगा। ओके। सो देखा जाए तो स्टाइलिंग डिज़ाइंस में अगर बात करें लाइट्स की, तो लाइट्स के डिज़ाइन में फर्स्ट इन MSIL स्क्वायर शेप के LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आए हैं विद डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी आपको देने वाले हैं रात के टाइम और लुक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्रोम की गार्निश दी हुई है, बहुत ही प्रीमियम लुक देती है गाड़ी को, फ्रंट में एक SUV लुक देगी और बीच में आ जाता है मारुति सुजुकी का लोगो। और अगर साइड्स की बात करें, आइए साइड्स में देख लेते हैं। तो साइड्स में अगर बात करें टायर साइज़ की, तो टायर इसमें 215/60 R16 का टायर आएगा, रेडियल टायर है और इसमें 16 इंचीज अलॉय व्हील्स आ जाएंगे। ये ZXI मॉडल है इसलिए इसमें पेंट ब्लैक, ऑल पेंट ब्लैक अलॉय व्हील्स आते हैं। और अगर आप टॉप मॉडल में इसमें जाएंगे ZXI प्लस में, तो आपको प्रिसीजन कट ड्यूल टोन वाले अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। और अभी यहाँ पे भाई टॉप मॉडल तो है नहीं शोरूम में अवेलेबल, जैसे ही यहाँ पे अवेलेबल होता है तो मैं आप लोगों को वीडियो देने की अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी ये सेकंड टॉप मॉडल है, तो अभी इसका ही रिव्यू देते हैं आपको। ऑल बॉडी ब्लैक क्लैडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ये एक बहुत ही प्रीमियम लुक और एक स्टाइलिश
लुक देता है गाड़ी को, और ये गाड़ी को स्ट्रेंथ लुक भी देता है, जिससे कि एक रियल एसयूवी का व्यू आपको इस गाड़ी में देखने को मिल सके। सो साइड लाइंस बहुत अच्छी बनाई है, एरोडायनेमिक गाड़ी बनी है। यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी एजी डिज़ाइन दे रखा है, जो कि एयर कटिंग को, जी एयर कटिंग को बहुत ही अच्छा बनाने वाला है। सो अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक ORVMs की, तो आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक ORVMs आपको सारे मॉडलों में देखने को मिल जाएंगे, और इसमें LED टर्न इंडिकेटर भी, और ये की रिट्रीवेबल जो है आते हैं। फ्लोटिंग रूफ का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा, इसका ए पिलर इज़ ब्लैक, बी इज़ ब्लैक एंड सी पार्शली ब्लैक मिलेगा आपको। पीछे की जो विंड स्क्रीन जो मिरर था वो काफ़ी हमने इंक्रीज़ किया, 38 mm पहले से करा है, और ये आपको फ्लोटिंग रूफ देखने को मिल जाएगा। ये सभी गाड़ियों में आपको ये वाला फीचर मिलने वाला है। इससे रॉयल भी लग रही है। रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगी, रूफ रेल्स आपको ZXi और ZXi प्लस मॉडल दोनों में मिलेंगी, और सब फर्स्ट इन MSIL इन्होंने शार्क फिन एंटीना दिया है मारुति सुजुकी ने, तो अभी तक कंपेरिजन में ये आ रहा था, इस बार मारुति सुजुकी शार्क फिन एंटीना भी लेकर आई है अपनी गाड़ी में। वैसे भैया इसका काफ़ी फ़ायदा है, जो ब्रेज़ा ने न्यू काफ़ी बड़ा कर दिया है, इससे तो पत्थर वत्थर लगेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपैरिजन में अभी जो रेनो की किगर आई थी, इसमें ऑल ब्लैक ग्राउंड ट्रेडिंग आई थी, तो इस वजह वो देखने को काफ़ी अच्छी लगती है, तो कस्टमर की डिमांड थी कि मारुति सुजुकी भी कुछ इस तरह का फीचर्स लेकर आएँ, तो इसलिए हम लोगों ने ब्रेज़ा में ऑल ब्लैक क्लैडिंग दी, जो कि एक SUV लुक देती है। और अगर मान लीजिए आप कभी ऑफ रोड ड्राइविंग कर रहे हैं, तो जो पत्थर और बजरी इस तरह की चीज़ अगर सड़क से उठती है लगती है, तो वो आपके पेंट को ख़राब नहीं करती है, और इसमें लगेगी तो इसके इजीली रिपेयर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की स्मार्ट की मारुति सुजुकी अपनी विटारा ब्रेज़ा में दे रहा है। इसमें ये एक स्मार्ट की है, ये पॉकेट की है, आप इसको पॉकेट में रख कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मारुति सुजुकी का लोगो आता है, और एक हिडन की इसके अंदर दी होती है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी की बैटरी कभी लो हो जाए, तो आप इस मास्टर की से गाड़ी को ओपन भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह के ऑप्शंस हैं इसमें। सो आइए चलते हैं इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस मारुति सुजुकी नया लेकर आया है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको इस गाड़ी में अब देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इंटीरियर में चलने से पहले, सबसे पहले यहाँ पे एक अनलॉक बटन दिया होता है। अगर आपकी की जो है वो पॉकेट में है, तो सिर्फ सिंपली आपने इसको यहाँ से ओपन करना है, गाड़ी ओपन हो जाएगी। सो चलते हैं। तो डोर्स की बात करें, तो इस बार डोर्स पे काफ़ी अच्छी हमने टेक्नोलॉजी लगाई है। इस बार इसे खोलना और बंद करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब ये बीच में जो जैसे डोर कभी कभार अटकता था या पूरी तरह से खुल नहीं पाता था गाड़ी में, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आई भी थी, लेकिन इस तरह की अब कोई भी प्रॉब्लम आपको डोर में नहीं देखने को मिलेगी, इजीली ओपन एंड इजीली क्लोज हो जाएगा। काफ़ी स्मूथ भी हो गया आपको पहले से? काफ़ी स्मूथ है, और एक बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए गाड़ी काफ़ी मजबूत बनाई हुई है। तो ब्रेज़ा में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है सिंपल स्टेयरिंग आता था, तो इस बार मारुति सुजुकी ने अपनी ब्रेज़ा में फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग दिया है, और ये ZXi मॉडल है, तो इस तरह का सुजुकी लोगो के साथ ये स्टेयरिंग आएगा। और अगर आप ZXi प्लस में जाते हैं, तो इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग मिलेगा, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम लुक देने वाला है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग के साथ आपको इसमें म्यूज़िक के कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, आप यहाँ से इजीली कॉल को पिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और यहाँ से वॉइस कमांड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। FM रेडियो, ब्लूटूथ, ऑक्स, पेन ड्राइव, आप यहीं से ही मोड चेंज कर सकते हैं, स्टेशंस चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई आपका कॉल आ जाए बीच में, तो उसको म्यूट भी कर सकते हैं। आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में, VXi और ZXi, ZXi प्लस तीनों में ये ऑप्शन आता है। अब आपको बार बार इसमें टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लाइमेट के कंट्रोल के हिसाब से, ये क्लाइमेट के हिसाब से आपको टेम्परेचर ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। और इसमें आपको टूगल प्रेस बटन्स मिल जाएंगे, इस बार गोल घुमाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। टूगल प्रेस बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं डैशबोर्ड को। इंजन स्टार्टिंग की बात करें, तो इसमें आपको ZXi में आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट से आप अपने इग्निशन को ऑन कर सकते हैं, और इस तरह से इग्निशन कुछ ऑन होता है गाड़ी का। और इसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाएगी आपको, तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में काफ़ी कुछ अच्छा दिखाता है। आइए चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या फ़ीचर्स नए हैं।
TFT डिस्प्ले में आपको डोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इग्निशन इस तरह से ऑन होता है, किस तरह से गाड़ी को स्टार्ट करना है वो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको अच्छे से बताएगी। साथ ही ये इग्निशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आप क्लॉक सेटिंग्स कर सकते हैं, एवरेज दे सकते हैं, लो फ्यूल इकोनॉमी, जितने भी अलर्ट सिस्टम्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो करने वाला है। और इसमें मोशन सेंसर्स और भी काफ़ी कुछ है जो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। सो म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो इसमें स्मार्ट प्ले स्टूडियो आपको मिल जाएगा, प्रो प्लस वाला वर्जन मिलेगा इसमें कंपनी बाय आर्कमीज, और सुजुकी का लोगो इस पर बहुत ही अच्छा लगता है जब बन के आता है स्टार्टिंग में। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर की तो ये प्रो प्लस है, ये आर्कमीज कंपनी का म्यूज़िक सिस्टम है और ये बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इसमें भी आपको दिख जाएगी, सारे अलर्ट्स आपको इसमें मिलेंगे, कितना एवरेज है गाड़ी, कितनी रेंज तक चल सकती है, सारा आपको गाइड करने वाली है ये स्क्रीन। और इसमें आप नेविगेशन भी चला सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टैबलेट्स आप चला सकते हैं, पेयर डिवाइस कर सकते हैं, और सबसे हाई सुजुकी का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात कर इस तरह कनेक्टेड, प्लीज कनेक्ट एंड ट्राई अगेन, गुड बाय फॉर नाउ, और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और सारे जितने भी वेलकम मैसेजेस हैं वो आपको मारुति सुजुकी इस म्यूज़िक सिस्टम में देखने को मिलता है। साथ ही इसमें सराउंडिंग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस बार, जो कि मारुति सुजुकी में फर्स्ट टाइम आया है। अगर सराउंडिंग इफेक्ट्स पे आप म्यूज़िक सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा फील जो है आपको गाड़ी में आएगा। और साउंड भैया मारुति ने आपकी बार कौन सी कंपनी के लिए म्यूज़िक सिस्टम जो है ये आर्कमीज कंपनी का है, आर्कमीज कंपनी साउंड इफेक्ट्स को बनाती है, उसी कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया। और कितने स्पीकर हैं? अगर बात करें ZXI मॉडल की तो ZXI मॉडल में इसमें आपको 7 इंचेस की स्क्रीन वाला म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ZXI प्लस की तो उसमें 9 इंचेस की स्क्रीन आएगी। दोनों ही म्यूज़िक सिस्टम आर्कमीज के हैं, फोर स्पीकर्स के साथ ये आएंगे और दो ट्विटर इसमें आएंगे। अच्छा, और टॉप मॉडल में? टॉप मॉडल और ZXI दोनों। ओके भैया, तो डैशबोर्ड की बात करें तो इस बार ड्यूल टोन में डैशबोर्ड देखने को मिलेगा आपको, ब्राउन एंड ब्लैक इंटीरियर के साथ। पहले जो है बिल्कुल ब्लैक आता था, तो इस बार ड्यूल टोन में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ डैशबोर्ड को जो डिज़ाइन किया गया है सिल्वर क्लेडिंग के साथ, वो बहुत ही अच्छा प्रीमियम इंटीरियर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। सो वी इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट इन MSIL, जो हमने फीचर दिया वो है सनरूफ। तो ये इस तरह का सनरूफ आपको, इसको जो है मैन्युअली आपको पीछे करना पड़ेगा, और इसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। तो यहाँ पे इसका जो है कंट्रोल्स दिए हुए, आप इसे सिंपली पीछे कर सकते हैं इसको, और आप व्यू ले सकते हैं बाहर का, बारिश का मज़ा बहुत ही आराम से ले सकते हैं इस गाड़ी में, जो कि फर्स्ट टाइम मारुति सुजुकी लेकर आया है ये वाला फीचर। और इसमें एक सेफ्टी फीचर भी है, इन केस अगर आपका आप इसे बंद करते हैं तो एंटी पिंच के साथ ये सनरूफ आता है और ये ऑटोमेटिकली जो है पूरा सनरूफ पीछे चला जाएगा। ये बेस्ट है भैया, ये वाला सिस्टम बेस्ट है। तो फाइनली गाइज, अब मैं न्यू ब्रेजा में पीछे बैठ चुका हूँ, आप देख पा रहे होंगे, और भाई पहले से ज़्यादा कम्फर्टेबल फील हो रहा है मेरे को पीछे बैठ के। और जैसे मैं 6 फुट का हूँ उसके हिसाब से आगे गैप भी काफ़ी है और हेड के ऊपर भी काफ़ी गैप है, कोई वाली प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो अब देखते हैं पीछे क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो दिव्यांश, तुमने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया कि इसमें काफ़ी अच्छा लेग स्पेस और काफ़ी अच्छा शोल्डर रूम इस बार मारुति सुजुकी ने दिया है। और अगर बात करें लेग रूम की तो लेग रूम में सीट्स में भी कुछ इस तरह की शेप दे रखी है कि आप आराम से आपके जो पैर हैं वो टी सीट से ना टचों। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी यूटिलिटीज़ दी हैं यहाँ पे, आपको स्पेस दिया हुआ है, अगर आप बुक्स मैप्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। एक यूटिलिटी हुक दे रखा है, यूटिलिटी हुक में आप 3 kg तक का कोई भी सामान इसमें हैंग कर सकते हैं। और इसमें सीट्स के फैब्रिक की बात करें तो सीट्स का फैब्रिक बहुत ही इस बार अच्छा दिया हुआ है। तो ये ड्यूल टोन में दिया हुआ इंटीरियर के हिसाब से इस गाड़ी को डिज़ाइन करा था। मैन्युअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे आपको इसमें, आप इसे मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। साथ ही आपको देखने को मिलता है इसमें आर्मरेस्ट विद कप, ट्विन कप होल्डर्स के साथ, और इसमें आप आराम से अपने ड्रिंक्स वगैरह रख करके आप अपना कैन को कर सकते हैं जी। ठीक है, कैंस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इसमें और भी दे रखा है आगे के ग्लोव बॉक्स में, इसमें कूल बॉक्स भी दे रखा है,
तो अगर कोई अगर आपको बियर का कैन है या किसी ड्रिंक का कैन है वो आप इसी में ईजिली कूल एंड चिल्ड कर सकते हैं। सो इसमें अगर आपको पिछली सीट में देखेंगे तो वेंट एसी भी देखने को मिल जाएगा। तो वेंट एसी अक्सर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी काफ़ी टाइम से कि पीछे के जो पैसेंजर्स होते थे उनको कूलिंग इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस बार आपको वेंट एसी का ऑप्शन साथ में 12 वोल्ट्स का इसमें एसेसरी सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आप इसमें अपना चार्जर या किसी भी चीज़ को आप यूज़ करके यहाँ पे आपको पॉकेट भी दी होती है, आप आराम से यहाँ पे अपना सेलफोन्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ब्रेज़ा में आया है ये वाला फीचर, और होप कि ये आगे भी लोगों को पसंद आए। सो अगर बात करें कूल बॉक्स की, तो इसमें पहले ड्यूल टेम्बर में दो ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है वो आता था ग्लो बॉक्स, लेकिन इस बार हमने नीचे ही इसमें ग्लो बॉक्स दिया है। और ग्लो बॉक्स में आपको चिलिंग का ऑप्शन दे रखा है, आपको रेफ्रिजरेशन का अगर बात करें किसी चीज़ को ठंडा रखने की, तो आप इसमें इजीली आप इसमें स्टोर कर सकते हैं और इस चीज़ को चिल भी कर सकते हैं। ये बढ़िया आराम से कोल्ड ड्रिंक बढ़िया एकदम चिल रहेंगे, कोई दिक्कत वाली थैंक यू सो मच। तो अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के सारे फीचर जो हैं स्टैंडर्ड हैं। अगर बात करें 6 एयर बैग्स की, तो आपको वो ZXI प्लस मॉडल में देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी के जो वेरियंट्स आएंगे उसमें ड्यूल एयर बैग्स ही आपको मिल सकेंगे। और इसमें सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए इसमें पार्किंग सेंसर्स, सुजुकी हार्टटेक प्लेटफॉर्म और काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो सेफ्टी को स्टैंडर्ड करते हुए देखने को मिलेंगे। सीट बेल्ट्स की बात करें, ये भी सेफ्टी का ही एक फीचर है। सीट बेल्ट्स आपको प्री टेंशनर सीट बेल्ट्स मिलेंगी फोर्स लिमिटर के साथ, और ये मैनुअली एडजस्ट भी हो जाती हैं। तो गाइस आपको गाड़ी के इंटीरियर तो दिखा दिए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं न्यू ब्रेज़ा में। अब गाड़ी की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं। इसका हुड आप इजीली हुड ओपनर से ओपन करके और यहाँ से इजीली इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टिक भी होती है, इससे आप इसको हुड को हैंग कर सकते हैं। करें इसकी टेक्नोलॉजी की, तो अगर इंजन की बात करें तो इंजन स्मार्ट हाइब्रिड आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। स्मार्ट हाइब्रिड आपको फ्यूल इकोनॉमी में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर बात करें इंजन की, तो K15C का हाइब्रिड इंजन है, 1500cc में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है VGT के साथ, काफ़ी अच्छे टर्बो चार्जर के साथ इस गाड़ी की पावर जो आपको मिलने वाली है। और अगर बात करें इसकी पावर की, तो 75.86000 RPM पे इसकी जो है इसकी पावर है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 436.8 at 4400 न्यूटन मीटर का जो RPM का है वो आपको इसमें देखने को टॉर्क मिल जाएगा। अब बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 48L का आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग जर्नी पे भी कहीं जाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा फ्यूल टैंक में। ओके। और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमने आपने अभी मैंने आपको इंटीरियर में काफ़ी कुछ दिखाया ही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जो सनरूफ है वो भी फर्स्ट टाइम इन MSI लाया है। 80 वर्जन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चलाने को भी मिलेंगे इसमें। और 80 वर्जन आपको VXI, ZXI और ZXI प्लस तीनों में 80 वर्जन्स मिल जाएंगे। पैडल शिफ्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्रूज़ कंट्रोल जो है इस गाड़ी में भी आपको ZXI प्लस में देखने को मिल जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल एक हाईवे फीचर है, काफ़ी अच्छा फीचर है, इसमें गाड़ी चलाएंगे तो आप कंफर्टेबली हाईवे रनिंग कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं रियर में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। रियर से गाड़ी बहुत ही डैशिंग बना दी गई है। आइए मैं बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस इसमें किए हैं। अगर बात करें इसकी टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट जो है अल्ट्रॉन टेल लाइट्स दी हुई हैं, जो कि कंपैरिजन में बहुत देखने को मिल रही थी नेक्सॉन वगैरह जैसी गाड़ियों में। तो इस बार मारुति सुजुकी भी अपनी गाड़ी में अल्ट्रॉन टेल लाइट्स लेकर आई है, जो कि एक ब्लैक टेपिंग के साथ ये टेल लाइट आती हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक देती हैं। बात करें इसके सिग्नेचर की, तो ब्रेज़ा पहले क्रोम में अब नाम लिखा आता था ब्रेज़ा का, तो इस बार जो है काफ़ी अच्छा सिग्नेचर दिया है, जो कि ब्रेज़ा निकल में लिखा हुआ है, बीच में आता है सुजुकी का लोगो। और अगर सेफ्टी फीचर एक पीछे भी दिया हुआ है, डिफोगर एंड वॉशर आपको ZXI और ZXI प्लस में देखने को मिल जाएगा।
तो ये भी फॉगी कंडीशंस में बहुत अच्छा फीचर है। आप एक शीशे पे अगर फॉग आ जाती है तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो। बैक टेल लाइट एक सनवाइजर के साथ आ जाएगी पीछे, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका वॉशर, तो आप इस स्क्रीन को भी वॉश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आपको बूट स्पेस इस बार मारुति सुजुकी काफ़ी अच्छा दे रही है, और इस तरह से इजीली हुड यहाँ से जो है आप ओपन कर सकते हैं। और ये आता है इसका बूट स्पेस, जो कि 370L का बूट स्पेस है, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। और हम यहाँ पे कार्डबोर्ड भी देते हैं किसी तरह से, ये नहीं कि ये दब जाएगा अंदर, और बहुत इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और इसके नीचे आ जाता है स्पेयर व्हील, स्पेयर व्हील जो है वो रिम में ही आएगा क्योंकि ये एक स्पेयर व्हील है। तो मैं व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपनी गाड़ी में जब स्पेयर व्हील यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उसको रिपेयर करा के दोबारा अंदर रख लीजिए। और इसमें अब आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, कस्टमर को हमारे स्पेयर व्हील को बाहर निकालना पड़ता था किसी एयर फिलिंग के लिए, एयर चेकअप के लिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप इजीली यहाँ से अपना आप इसको ओपन करके इसमें एयर फिल कर सकते हैं। तो सेम 215/60 R16 का ही इसमें जो है स्पेयर व्हील आता है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी यूटिलिटीज़ दे रखी हैं। आप जो स्पेयर इसके जो साथ में आते हैं जैक रॉड जो आती है, वो सारे आप यहाँ पे आराम से एडजस्ट करते हैं, कोई खटपट की आवाज़ नहीं होगी। और काफ़ी स्पेस भी हो गया है अब तो, काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें मिल जाएगा आपको देखने को। फ्लैट बेड स्कीम देखने को मिल जाएगी, आइए मैं दिखाता हूँ फ्लैट बेड स्कीम किस तरह से काम करती है और कैसे आपकी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बना देती है। तो ईज़िली इसको हम जो है आगे की तरफ कर देंगे, और हेडरेस्ट को हम इसको नीचे की साइड कर देंगे, तो आप इजीली इसमें आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो 60-40 रेशो स्प्लिट सीट्स का आपको ऑप्शन इसमें तो पीछे काफी स्पेस भी हो जाएगा। तो अगर आप दो जाने हैं बैठने वाले तो आप इजीली यहाँ पे आप कोई सामान है आपके साथ या कोई साइकिल है वो उसको आप आराम से इसमें रख सकते हैं। और अगर इसको पूरी को बेड बनाना हो तो आप इसको पूरी को बेड बना सकते हैं। पीछे आपके कोई नहीं है बैठने वाला तो आप इसे इजीली इसे आगे करके और सेम उसी तरह से हेडरेस्ट को नीचे करके आप इसको आराम, काफ़ी इजीली भी हो पा रहा है भैया, बहुत इजी है सर, कोई भी कर सकता है। ये तो बेड बन गया आराम से। अब ये देखिए सर, आप इसमें आराम से इसमें कोई भी यूटिलिटी आप कर सकते हैं। अभी मैं बैक से आपको स्पेस दिखाता हूँ कितना हो गया है पीछे, आराम से बेड टाइप का बन गया है पूरा आगे तक है, कोई लेट भी सकते हैं भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल कौन सा है टाइम अगर आपको स्पेयर व्हील बदलना हो या कुछ बूट को सर्च करना हो तो आपको यहाँ पे बूट लैंप देखने को मिल जाती है, साथ में यूटिलिटी का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोई चीज़ अगर आपको हैंग करनी है तो आप इजीली हैंग कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी का टाइम होता है ख़त्म, समाप्त होता है, क्योंकि जितना सब कुछ था वो आपको सेकेंड टॉप मॉडल में हमने दिखा दिया है रिव्यू। और भाई जिस किसी को भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और भाई जो आपको फीचर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भाई भैया को थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू राजवीर भैया, आपसे मिलकर मैं बहुत बढ़िया लगा। आपको गाड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और होपफुली मैं भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग भी ब्रेज़ा अपने घर लेकर जाएं। अभी टेस्ट ड्राइव ओपन नहीं है, जैसे टेस्ट ड्राइव ओपन होती है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि विजिट अपने नियरेस्ट शोरूम पे विज़िट करें और टेस्ट ड्राइव लेकर देखें, गाड़ी में और परफॉर्मेंस का आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच आप। और जिस किसी को मारुति के बारे में जानकारी लेनी हो तो भैया का फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बात कर सकते हैं भैया से, ठीक है।